लुधियाना के सतलुज क्लब में एक फैशन शो का आयोजन किया गया जहां शिरकत करने पहुंची बॉलीवुड अभिनेत्री सारा गुरपाल। इस दौरान उन्होंने रैंप पर अपनी अदाओं के जलवे भी किए, साथ ही उन्होंने बीजेपी में जाने की अपनी इच्छा भी जताई। आज उन्होंने हमारे टीवी चैनल के माध्यम द्वारा बताया कि उन्हें बीजेपी पार्टी बेहद पसंद है, जिससे जाहिर हो रहा है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बिग फैन है। आगे सुनिए सारा गुरपाल को। आने वाली मूवी है गुरमुख, जिहड़ी कि 2019 दे विच नवंबर 2019 दे विच रिलीज होनी है। रिटन है डायरेक्टर बाय भुपिंदर पाली जी। बड़े ही अलग ही कंसैप्ट ते मूवी बनी है, एक रेप केस ते है मूवी। बस यही कुछ है जिहड़ा कि लैके आ रहे हैं। मैनूं लगता है कि कदम चक्कण तो ज़्यादा जरूरी है कि लोगों की सोच सीधी ते साफ होवे। जिहड़ी सोच कपड़िया नूं लैके कीती जांदी है या फिर सिर्फ सोशल मीडिया से जज कर लिता जाता है कि यह आ, वो जो 2 साल की बच्ची, 8 महीने की बच्ची ने कि कपड़े पाए, यह नहीं देखा जाता जो उन्होंने रेप होंगे। तो आपकी सोच बहुत ज्यादा जरूरी आ। कदम है, कदम तो तुम बहुत सारे चके हुए आ। गवर्नमेंट के वालों एप्लीकेशन है, महिला हेल्पलाइन है, बहुत सारी चीज़ा ने, पर वो तो कितने ज्यादा जरूरी एजुकेशन है तो लोगों की सोच है। नवजोत सिंह सिद्धू जी की लाइफ आ, उन्होंने डिसीजन आ, कि उन्होंने करना है अगे, कि उन्होंने पॉलिटिक्स के किदा उन्होंने काम करना है या फिर उन्होंने पाकिस्तान जाना, इंडिया रहना, उन्होंने सोच है। मेरे हिसाब न कि मैं इस चीज़ से कोई जज नहीं कर सकती उन्होंने कि उन्होंने इस्तीफा दिता। मैंने तो सिर्फ यह है कि जेड़ा प्रेजेंटली साड़ी कहते हैं कि साड़ी सरकार दे विच कोई भी इंसान हो, बट वो साडे वास्ते काम करे तो वधिया तरीके काम करे। उन्होंने इस्तीफा देता, आई थिंक उन्होंने कोई वधिया ही सोच होगी इन्हों के पिछे। हूँ आप कुछ कह नहीं सकते ये पिछे। मैं तो बीजेपी ज्वाइन करूँगी पहली गल, जे मैनू कदे चांस मिले तो। इदा का मतलब कदे कदे लगता है मैनू कि पॉलिटिक्स एक हैगा तां डर्टी बिजनेस आ, बट आई थिंक हर बिजनेस ही एक डर्टी बिजनेस आ। तो क्यों ना आपकी कंट्री नू, आपकी जगह नू आप सर्व करिए, सरकार चाह के क्यों नहीं आप चीज लैके आ सकते। आप कहने कि बहुत बुढ़े बुढ़े बंदे लगे हुए हैं, कहते एज बंदे आ, तुम युवा एक बार वो तो दो, मौका तो दो, जो वो पार्लीमेंट च बैठन तक की पता बहुत कुछ चेंज हो जाए। पता नहीं बट जो मौका मिला मैं मौका छड़ना नहीं। आई एम बिग फैन ऑफ हनी सिंह। मैनू इदा लगता कि म्यूजिक की कोई जुबान नहीं होंगी, म्यूजिक दे विच कुछ सोच के नहीं किया जाता। तो मैनू इदा है कि वह दिल दे जिन्ने चंगे आ वो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। एड्डा वड्डा दिल है साडे हनी भाजी का। तो मैं लगता है ये सब छोटी छोटी चीज़ा तो उन्होंने चलती रहती है, तो इन्होंने चीज़ों का कोई मुल नहीं उन्हों की, यू नो म्यूजिक के सामने कोई। मैं समझ नहीं आता कि जड़िया मतलब ये चीज़ा होंदिया ने, इदा दहुत प्रॉब्लम जर्नली वूमेंस न फेस कर पैदा ने, जिन्हों के करके तो कोई होर नहीं होंगी। गाने के कोई चीज़ एकदम आ गई या फिर कोई चीज़ कह दे, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड बीइंग अ वूमेन, बट फैमिनिज्म का मतलब यह नहीं होंगे कि जिते कुड़ी की यह होगी कि अरे इतने बोलता इतने असं फैमिनिज्म हो गए। फैमिनिज्म का मतलब होंगे इक्वैलिटी, वो मैन वास्ते भी सेम होंगी तो वूमेन वास्ते भी। फैमिनिस्ट बनना है तो सच्चे बनो, इदा नहीं कि जिथे मुद्दा लगे कि यार इतने का मुद्दा चकना चाहिए इतने चक लो, इदा नहीं, जिथे लोड़ है उत्थे चको, हाइप लई ना चको। मतलब मैं ये नहीं कहती कि वो चीज़ गलत है या उस चीज़ सही है, वो मैं जज करने वाली कोई नहीं होंगी, बट मैनू इदा लगता है कि 90% कुड़ियां यही कर दिया ने भी जिथे नहीं चकना होंगे उत्थे लगता कि हाँ मैं फैमिनिस्ट हाँ, मैं तो कुड़ियों का बहुत साथ दिनी है। नहीं कहते कि छोटी जी गल होंगी है कि स्टेज से चढ़ के कुड़िया बोल दें मुंडे होंगे कुड़िया ने इन्ना सफर करना पैंदा। मैनू लगता मुंडिया नू भी तो किन्ना सफर करना पैंदा, घर भी तो चलांदे आ।